देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। संसद का बजट सत्र, प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने जवाब दिया, निशाने पर रहा विपक्ष। 44 आईएफएस अधिकारियों के तबादले, राजधानी जयपुर सहित 7 जिलों में मुख्य वन संरक्षक बदले गए हैं, 10 जिलों में उप वन संरक्षक हुए इधर से उधर, 7 आईएफएस को दिया अतिरिक्त चार्ज। सीकर में शादी कर लौट रही बारात की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हादसे में दुल्हन की मौत हो गई, दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया, शादी की खुशियां मातम में बदली। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर बैठक में की शिरकत, लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के सांसदों से की चाय पर चर्चा। कल आएगा राज्य का अंतरिम बजट, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे अंतरिम बजट, वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ दिया कुमारी ने दिया बजट को अंतिम रूप। मुख्य सचिव सुधांश पंत एक्शन में, जयपुर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में सीएस ने किया निरीक्षण, विभिन्न शाखाओं में जाकर लिया जायजा, ग्रेटर निगम कमिश्नर रुक्मणी रियार भी रही मौजूद। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा विकसित राष्ट्र की ओर। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने ली परिवहन विभाग की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सभी आरटीओ एआरटीओ डीटीओ बैठक से जुड़े, एसीएस परिवहन और प्रमुख सचिव परिवहन भी हुए शामिल। टोंक में बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 डंपर और एक जेसीबी मशीन जब्त की, बनेठा थाना क्षेत्र के बनास नदी इलाके में की गई कार्रवाई। ओंकार सिंह लखावत राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोनीत, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, पिछला कार्यकाल भी रहा था खास। प्रदेश में मावठ के बाद सर्दी ने फिर दिखाया असर, शीतलहर भी छुड़ा रही कपकपी, कई जिलों में छाया कोहरा। हरदा ब्लास्ट हादसे में 14 लोगों की गई जान, सीएम ने घायलों से अस्पताल में की मुलाकात, सीएम ने कहा जल्द से जल्द होगी सख्त कार्रवाई। एमपी के हरदा में फैक्ट्री में विस्फोट मामला पटाखा, फैक्ट्री के मालिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, रफीक खान गिरफ्तार। कर्नाटक कांग्रेस बीजेपी में घमासान, कर्नाटक के बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने सांसदों का प्रदर्शन। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज ओडिशा के राउरकेला स्थित सुंदरगढ़ से शुरू हुई, इससे पहले सुबह सुबह ही राहुल गांधी यहां के वेद व्यास मंदिर पहुंच गए। कांग्रेस की भारत जोड़ो ने आया यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, स्वीकार किया निमंत्रण। हेमंत सोरेन को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 5 दिनों के लिए बढ़ाई ईडी की रिमांड। बिहार सीएम नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली, पीएम मोदी से की मुलाकात। यूसीसी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, यूसीसी हिंदू कोड के अलावा कुछ नहीं है, आदिवासी यूसीसी के दायरे में क्यों नहीं। आंध्र प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग खत्म, आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन ने ली कैबिनेट की मीटिंग, 2024-25 के लिए वोट ऑन अकाउंट, बजट को मंजूरी दी। रामलला के दर्शन को जाएंगे राम भक्त, स्पेशल ट्रेन से जाएगा 1470 राम भक्तों का दल, हांसी भिवानी और रोहतक से रवाना होंगे राम भक्त। मार्च से चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है, राजधानी से ज्यादा हो सकता है किराया। संसद सत्र को लेकर खबर, एक दिन के लिए और बढ़ेगा सदन का सत्र, पहले 9 फरवरी तक होना था सत्र, अब 10 फरवरी तक चलेगा सदन का सत्र। भारत 9वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराया है, सहारन धास ने 171 रन जोड़े, लिम्बानी को 3 विकेट। हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल का तलाक, ईशा और भरत ने आपसी सहमति से लिया तलाक, 12 साल बाद पति से अलग हुई ईशा। जयपुर के विंदायका में वंदना चिल्ड्रन स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया, मेले में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों एवं खेलों की स्टॉल लगाई गई जो आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान अतिथियों ने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य से उनकी प्रतिभा सामने आई है। अलवर के कठुमर में विधायक रमेश खींची की अभिशंसा पर विभिन्न सड़क मार्गों पर राजस्थान राज्य परिवहन निगम की 5 नई बसें शुरू की जाएगी, विधायक ने कहा ये बताया कि परिवहन निगम के दौसा प्रबंधक विक्षाम मीना और अलवर प्रबंधक कटारक ने नई बस सेवा की समय सारणी शीघ्र तय करने की बात कही। अलवर के कठुमर विधायक रमेश खींची ने 33-11 केवी विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन फीता काटकर किया,
इस मौके पर विधायक ने कहा कि खेड़ा मैदा के 3311 केवी विद्युत सब स्टेशन के क्षेत्र के भोजपुरा सुडियाना नहराना का बास इसरोता और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। दौसा के रेटा गांव में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक मुकेश खारवाल चढ़ा पानी की टंकी पर, कल अतिक्रमण हटाने के प्रकरण से नाराज था। ट्रेनों में खुलेआम बिकती शराब, महंगे दामों पर यात्रियों को बेची जाती है अवैध शराब, रेलवे कर्मचारियों की मिलीभगत से बेची जाती शराब। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर ग्रामीण के जम्मा रामगढ़ में पुलिस ने हथकर शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब बनाने की 3 भट्टियों सहित 500 लीटर वॉश को नष्ट किया है। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से 47 पवे देशी शराब के बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने अलग अलग मामलों में न्यायालय में वांछित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गांव किठाना गांव में गंभीर पेयजल समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से सैकड़ों महिलाओं ने पंचायत भवन किठाना के बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान जल समस्या का समाधान की मांग की गई। खबर झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां वार्ड 35 में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर छत के रास्ते से मकान में घुसे और लाखों के गहने और नकदी चुरा ली। जोधपुर में वैलेंटाइन डे को लेकर गुलाब खरीदने के लिए युवाओं में काफी क्रेज देखा गया है। वैलेंटाइन डे की शुरुआत पर युवा भी काफी उत्साह के साथ थाईलैंड, इंदौर, बैंगलोर के फूल खरीदते नजर आए। कुछ लोगों ने अपने माता पिता के लिए खरीदे तो कुछ लोगों ने अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए फूल खरीदे। जैसलमेर के भड़ियाणा में विद्युत विभाग ने बिजली चोरों पर 4,00,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है। सहायक अभियंता मोहनलाल और टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान टीम ने बड़ी तादाद में मौके से अवैध केबल और विद्युत उपकरण जब्त किए हैं। आसाराम को अस्पताल से जेल शिफ्ट किया गया है। जोधपुर एम्स में चल रहा था आसाराम का इलाज, हालत में सुधार होने पर आसाराम को फिर से जेल में शिफ्ट किया गया। जोधपुर में एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024, 17 फरवरी से एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तैयारियां जोरों पर है। बलौदी जिला अस्पताल की प्रमुख समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान ललित हिंदू के नेतृत्व में महंत दयानंद गिरी महाराज, भवानी सिंह, भावनी सिंह, लक्ष्मण मेघवाल सहित युवा मौजूद रहे। पाली की देसूरी में प्रजापत समाज की आराध्य यादे माँ की 32वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, जिसको लेकर श्री यादे माँ सादड़ी आना मेवडिया चौताला के प्रजापत समाज के अध्यक्ष के सानिध्य में वर्षगांठ की तैयारियों को तेज करते हुए प्रजापत समाज सहित गांव में निमंत्रण पत्रिका दी गई है। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में लगने वाले ऐतिहासिक डाडा पम्माराम साहिब के वार्षिक मेले का शुभारंभ हुआ। मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से आकर मत्था टेकेंगे। शहर में लगी अस्थायी दुकानें और झूले मनोरंजन का केंद्र बने हुए हैं। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डायरेक्टर ने उपखंड प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं नोकझोंक के बीच विभिन्न विकास के विषयों पर चर्चा हुई। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में डाडा पम्माराम साहब के वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। मेले में बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानें लगी हुई हैं, जिसे लेकर नगर पालिका और पुलिस ने दुकानदारों से सड़क मार्ग को अवरुद्ध नहीं करने को लेकर समझाइश की। वहीं दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सर्दी के बाद अल सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बारिश होने लगी। हल्की बारिश के बाद धूप निकलने से आम लोगों ने राहत की सांस ली। बीकानेर पुलिस की ई जनसुनवाई को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले दिन एसपी तेजस्वी गौतम से 9 लोग वीडियो कॉल के जरिए जुड़े। बीकानेर के राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में कार्यक्रम, विधायक जेठानंद व्यास और मेयर सुशीला कंवर ने शिरकत की। 72,00,000 की लागत से तैयार नवनिर्मित कक्षा कक्ष का लोकार्पण हुआ। अजमेर के पुष्कर में वेद खाबाद में एटीएस और पुलिस द्वारा मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल के दौरान आतंकियों के हमले से बचने और आतंकी यदि खाबाद हाउस में घुसते हैं तो किस तरीके से उनका सामना करना पड़े, इसके लिए मॉकड्रिल कर भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया गया। ब्यावर में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में सीएसआर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम, नगर परिषद आयुक्त सहित विभिन्न इंडस्ट्री के सीएसआर प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 डंपर किए जब्त, एक जेसीबी मशीन भी जब्त की गई। सरकारी अफसरों और कर्मियों के लिए तकलीफी पर लगाम, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की टीम का टोंक में औचक निरीक्षण। दर्जनों सरकारी विभागों के अटेंडेंस रजिस्टर जब्त किए गए।
राष्ट्रीय पंचकर्म कार्यशाला का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया उद्घाटन। देश भर से पंचकर्म विशेषज्ञ और 150 से ज्यादा आयुर्वेद चिकित्सक शामिल हुए। डीडवाना के पर्वतसर कस्बे में किराए के मकान में रहकर ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम कर रहे युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव 3 दिनों तक फांसी के फंदे पर लटका रहा। डीडवाना जिले में इन दिनों वाहन चोर गैंग सक्रिय हो गया है। जिले से करीब 15 डंपर चोरी हो चुके हैं। वहीं नागौर जिले से भी गैंग ने करीब आधा दर्जन डंपर चोरी किए। कोटा की टावा पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक प्रधान रिंकू मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां गांव की समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई और गांव में बिजली पानी सड़क की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। झालावाड़ के पिड़ावा में एसपी ऋचा तोमर ने सीएलजी और शांति समिति एवं पुलिस मित्रों की बैठक ली, जिसमें नागरिकों ने उन्हें नगर की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में एसपी तोमर ने साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी दी। झालावाड़ के खानपुर में भीम सैनिकों ने सैकड़ों वाहनों के साथ रैली निकालकर अनुसूचित जाति के परिवारों से चंदा एकत्र किया, लेकिन 4 लोगों ने दलितों से चंदा लेने के नाम से प्रसाद विशुद्ध होने के मामले में एकत्र चंदा वापस लौट आया। मामले को लेकर जिला प्रशासन को भी ज्ञापन देने के बावजूद भी 4 लोगों को गिरफ्तारी नहीं किए जाने के विरोध में भीम आर्मी सैनिकों ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। झालावाड़ के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जैन तीर्थ उन्हेल नागेश्वर में आचार्य विश्वरत्न सागर महाराज का मंगल प्रवेश हुआ, जिन्हें समाज के लोग धूमधाम के साथ मंदिर परिसर लेकर आए। इस दौरान श्री संघ नवरत्न परिवार सहित समाजजन उपस्थित रहे। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां खेल में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि 15 साल के बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लेबर कॉलोनी में मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। डूंगरपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बेड़ेश्वर धाम दौरे की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है, जिसे लेकर जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से तैयारियों पर चर्चा की गई। करौली टोडा भीम के गाजीपुर गांव में संगीतमय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन जारी है, जिसमें कथावाचक आचार्य अनंत शरण महाराज वृंदावन वाले प्रवचन दे रहे हैं। आयोजन का समापन 9 फरवरी को भंडारे के साथ किया जाएगा। धौलपुर के बसई नवाब में 108 एम्बुलेंस की कमी को लेकर लोगों ने तहसीलदार देवेंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विभिन्न लोग मौजूद रहे। अजमेर के पीसांगन एसडीएम ने मांगली आवास में औचक निरीक्षण किया। एसडीओ ने मांगलीवास में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, राजकीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियां पाए जाने पर कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा में सूर्य सप्तमी पर स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। स्कूलों में प्रार्थना सभा के बाद सुबह एक साथ सूर्य नमस्कार होंगे। 15 फरवरी को सरकारी एवं निजी स्कूलों में सभी बच्चे सूर्य नमस्कार करेंगे। देवली में व्यापारी के किराना गोदाम से चोर 1400 कट्टे सरसों चोरी कर ले गए, जिसकी बाजार में जो कीमत है वो 38,50,000 रुपए बताई जा रही है। वारदात को लेकर पीड़ित ने मामले में पुलिस से शिकायत की है और मामला दर्ज कराया है। पाली के बाली में लोकसभा चुनाव को लेकर थाना परिसर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीएसपी ने चुनाव में भयमुक्त शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया है। इस दौरान विभिन्न थानों के थानाधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में सिटी डेवलपमेंट कमेटी की बैठक कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शहर के सौंदर्यीकरण करने को लेकर कलेक्टर ने दिशा निर्देश दिए हैं। उदयपुर के गोगुंदा एसडीएम और तहसीलदार ने 3 विभागीय कार्यालयों और एकलव्य विद्यालय हॉस्टल का निरीक्षण किया, जहां पंचायत समिति के एडिशनल वीडीओ अर्जुन सिंह राव सहित 7 कार्मिक अनुपस्थित पाए जाने पर एसडीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उदयपुर के गोगुंदा में विद्या निकेतन स्कूल के प्राचार्य कालूलाल चौबीसा और भूरीलाल प्रजापत के रामलला के दर्शन कर लौटने पर गांव में एक खुशी की लहर है, जिनका गांव के ग्रामीणों के साथ विद्या निकेतन प्रबंध समिति और विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वागत किया। खैरथल के किशनगढ़ बास के सरकारी स्कूल में शिक्षक छात्रा से अश्लील हरकतें कर रहा था, जिसकी शिकायत बालिका ने परिजनों से की, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिक्षक को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल से मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में फरार 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ के अरनोद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनडीआरएफ की टीम ने विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन के विषय में जानकारी दी है। इस दौरान टीम द्वारा इलाके के जोखिम वाले क्षेत्रों का भौतिक रूप से भ्रमण कर आपदा के समय बचाव कार्यों के विषय में चर्चा की।
भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। टीम ने साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर जीत दर्ज की है। टीम के कप्तान उदय सहारन श्रीगंगानगर के निवासी हैं। ऐसे में श्रीगंगानगर सहित राजस्थान में काफी खुशी है। हनुमानगढ़ में वृद्ध से जेवरात और नकदी से भरा बैग छीनकर फरार होने वाले आरोपी को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी से पूछताछ जारी है। डिडवाना के मकराना पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक डिडवाना कुचामन नवेंदु कुमार शर्मा ने बताया कि बैंक से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की। जैसलमेर के नाचना में सूर्य नमस्कार का विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। केजीबीवी की छात्राएं सूर्य नमस्कार को लेकर अभ्यास में जुटी हुई हैं। इस दौरान कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। जैसलमेर के भड़ियाणा पुलिस की ओर से पॉक्सो अपहरण एक्ट में 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेशी पर पैदल लेकर गई। आप सभी का निमका थाना में एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देशन में अवैध हथियारों के खिलाफ खेतड़ी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां नगलिया भैरवजी मंदिर के पास दबिश के दौरान 2 नाबालिग युवक अवैध हथियार लेकर घूमते मिले हैं। वहीं पुलिस ने हथियार सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। डूंगरपुर में वांछित अपराधी और अस्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के चलते फरार चल रहे 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। करौली के टोडाभीम में पशुओं से बचाने के लिए कर रखी विद्युत तारबंदी से 4 गौवंशों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया। इसके बाद पशु चिकित्सकों ने गौवंशों का पोस्टमार्टम किया। नागौर के रियाबड़ी उपखंड कार्यालय में एसडीएम की अध्यक्षता में अवैध बजरी खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिए एसआईटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अवैध खनन की रोकथाम के लिए क्षेत्र में संयुक्त गश्त करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। प्रतापगढ़ की धरियावद आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में बैंक मैनेजर और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए करोड़ों रुपए के गबन मामले को लेकर मीणा समाज सुधार संस्था द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बैंक अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। झालावाड़ के झालापाटन की गोमती सागर चौपाटी पर जिला प्रशासन और एनडीआरएफ के दल ने आपदा नियंत्रण की जांच के लिए एक मॉकड्रिल का आयोजन किया, जिसमें आपदा की स्थिति बाढ़, पानी में डूबने या अन्य आपदा की स्थिति में आम नागरिकों या लोगों को कैसे निपटना है का अभ्यास किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगर पालिका द्वारा 2 दिन पूर्व 1.5 दर्जन अतिक्रमण हटाने और 75 परिवारों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी करने का विरोध शुरू हो गया है। वार्ड के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नगर पालिका की कार्रवाई के विरोध में एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुरोई में होटल के समीप नाले में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बूंदी के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की महिला यूनिट की ओर से प्राचीन सभ्यता और प्राकृतिक संरक्षण को लेकर संदेश दिया जा रहा है। महाविद्यालय की 4 दीवारी पर बनाए जा रहे चित्र, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाएंगे। डिडवाना के मौलासर में राजस्थान कृषि छात्र कल्याण संघ द्वारा तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में राजकीय कृषि महाविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग से हटाकर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन कराने की मांग की गई है। उदयपुर के धनमंडी में छात्र ने देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल छात्र शहर के भोपाल नोबलस विद्यालय में 11वीं का छात्र था। वहीं परिवारजनों ने स्कूल के सहपाठियों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने परिवारजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। श्रीगंगानगर में पैदा हुए गजल सम्राट जगजीत सिंह का 83वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। श्रीगंगानगर के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास G25 को स्थानीय प्रशासन के द्वारा जगजीत सिंह मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां 2 मंजिला जगजीत सिंह स्मारक भवन निर्माणाधीन है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। प्रतापगढ़ में बच्चों और नाबालिगों को यौन शोषण के प्रति जागरूक करने और कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लघु फिल्म दिखाई गई। बांसवाड़ा रेंज आईजी एस परिमाला के निर्देशन में 10 मिनट की फिल्म तैयार की गई है, जिसे 3 दिनों तक जिले के विद्यालयों में प्रदर्शित किया जा रहा है।
राजसमंद की देवगढ़ थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तारी करने के बाद आरोपी से पूछताछ कर रही है। बूंदी सहित अन्य जिलों में साइबर ठगों द्वारा पुलिस बनकर परिजनों को फोन किए जा रहे हैं। ऐसे में लगातार आ रहे फोन से परिजनों सहित बूंदी और अन्य जिलों में आमजन परेशान है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस द्वारा अपील की गई है कि पुलिस इस प्रकार की कोई फोन नहीं करती है। खुद पुलिस इस मामले में अगर जांच पड़ताल करती है तो घर पर आकर पूछताछ की जाती है। पुलिस द्वारा तुरंत मामले की सूचना देने की लोगों से अपील की गई है। डूंगरपुर में बाल अधिकारिता विभाग और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए 3 बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है, जहां से बाल कल्याण समिति ने बच्चों को संप्रेक्षण गृह भेजने और नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर वेला गांव में बाइक ने सड़क किनारे पैदल जा रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई है। हादसे के बाद बाइक सवार फरार हो गया है। सूचना पर साबला पुलिस पहुंची, घटना की जानकारी ली। सिरोही की हवाई पट्टी पर पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने फूल माला से भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। धौलपुर में स्टेट हाईवे के टोल पर लोकल वाहनों से टैक्स वसूली को लेकर ग्रामीण नाराज है। आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसीलदार को SDM के नाम ज्ञापन सौंपा है, लेकिन लोकल वाहनों को फ्री करने की मांग की गई है। साथ ही लोकल वाहनों को फ्री नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी लोगों ने दी है। झुंझुनू के चढ़ावा में 2 दुकानों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 2 दुकानों में छत का गेट तोड़कर अंदर घुसे चोर करीब 17,000 से 18,000 के नकदी चुरा ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जोधपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार बाड़मेर के दौरे पर पहुंचे, जहां पहुंचने पर गार्ड उन्हें सलामी दी गई। IG ने पुलिस लाइन के विभिन्न शाखाओं, क्वार्टर गार्ड, HM कार्यालय, आरक्षी भवन समेत कई जगह का निरीक्षण किया। सलूम्बर जिला स्पेशल पुलिस टीम ने ऑनलाइन ऐप पर कॉल गर्ल के नाम से झांसा देकर भारी मात्रा में रुपए ऐंठने वाले गिरोह को, फर्जी मोबाइल सिम उपलब्ध करवाने वाले ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा के आसीन में पशुपालन, गौपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने 14.58 लाख रुपए लागत से बनने वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालरमाला के नवीन विद्यालय भवन का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में आसीन विधायक जब्बर सिंह सांखला ने भी शिरकत की। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त ट्रेनर ने व्यापारियों को फूड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने गुंडों, बदमाशों और तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 106 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 2 दिनों तक चले अभियान में पुलिस के 245 अधिकारियों एवं जवानों ने भाग लिया। इस दौरान 169 स्थानों पर दबिश भी दी गई। और चलिए इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।